अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि कबूतरों को छत पर कैसे बनाया जाता है। तो जितना अपना एक्सपीरियंस सारा एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चलिए बढ़ते आगे। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह से अपने सारे कबूतर फिट हैं और इसका आई थिंक कि दूसरा बच्चा भी निकल गया हो, क्योंकि यहाँ पे ये अंडे का छिलका पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह निकल गया होगा बच्चा, और इसका भी बच्चा मुमकिन 4 से 5 दिनों में निकल आएगा। तो बहरहाल दोस्तों, अपने मैंने सारा कबूतर यहाँ पे खोल रखा है और खा पी के आराम से लोग बैठ चुके धूप में। तो आज मैं दोस्तों छत पे आ गया था बहुत जल्दी, तो ठीक से उजाले भी नहीं हुआ था, फटाफट से छत पे आ गया और अपने कबूतरों को खोल दिया। तो अब दोस्तों, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कबूतर को कैसे छत पे बनाए या कैसे घर का पक्का करें। तो जितना एक्सपीरियंस मैं उतना सिर्फ बताऊँगा। लेकिन गाइस, सबसे पहले ना कबूतर को, जैसे अपना नए कबूतर खरीद के आप लाए हुए हैं, तो या तो उसका पर खींच के रखें और या तो उसका पर बांध के रखें, कोई टेप से, धागे से, या लोग आलपिन से भी उसमें फंसा के रखते हैं, वो भी कर सकते हैं। और लगभग लगभग 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक आप उसे मतलब पर बांध के ही रखें, और उसके 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आप इतना पर खोलें या इतने परों पर रखें कि आसानी से वो मतलब उड़ के और दीवार पर बैठ सके और दीवार से वापस उतर सके। ताकि उससे ये रहेगा ना दोस्तों कि कबूतर मतलब छत को भी अच्छे से पहचानेगा, और जब वो दीवार पे बैठेगा तो आसपास पड़ोस के भी छतों को पहचानेगा। तो इससे घर अगल बगल के चीज़ों का भी उसको पहचान हो जाता है, और धीरे धीरे फिर उससे ऊपर ले जाएं, अड्डी वड्डी बांध रखी हो तो उस पर बैठा लें आप, ताकि और दूर तक उसको मतलब नज़र आए। जितने भी उसके नज़र में आएगा ना, तब उसके दिमाग में एक मैप छपता जाता है। क्योंकि गाइस, आप लोग भी जानते हैं कि जितना अल्लाह ताला ने इन लोग को यह सोचने की और समझने की क्षमता दी रखी, किसी और परिंदों में नहीं है जो इतने मतलब घर के पक्के हो सकते हैं या घर में रह सकते हैं। उड़ने के बाद भी, इतनी आसमान लगने के बाद भी ये लोग घर वापस आ जाते हैं। तो एक लौते परिंदे हैं जो ऐसा अल्लाह ताला ने इनको बनाया। अगर खासकर इनके मतलब खाने पर ज़्यादा ध्यान दें, कि मतलब ऐसा भूखा ना रखें कि यहाँ से आपके घर से उड़े तो कहीं और उतर जाएँ, मतलब घर के पक्के भी नहीं रह जाएंगे। क्योंकि पेट अगर खाली है तो भाई जाहिर सी बात है, कहीं से भी उड़ के जहाँ कहीं भी इनको दाना पानी दिखेगा वहीं उतरेंगे। तो दाना पानी बराबर लगा के रखें। मैं अपने कबूतरों को, आप लोगों ने देखा कि हमेशा दाना पानी लगा के रखता हूँ, और फिलहाल सुबह भी देने पे जल्दी नहीं आते। वजह यही है कि दाना हमेशा मैं लगा के रखता हूँ लोगों को। तो गाइस, मेरा जितना एक्सपीरियंस था कि कबूतरों को घर का पक्का कैसे करें, उतना एक्सपीरियंस आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया। क्योंकि मैंने शुरुआत में जब कबूतर लाए थे तो मैंने ऐसे ही किया था, और फिलहाल मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, मैंने किसी से पूछा भी नहीं था। तो मैं कबूतर जब भी लाया था तो मैं कैच करके लाया था, तो उसके पर नहीं थे। फिलहाल मैंने कुछ दिन छत पर ही खोले, उसके बाद मैंने पर खींच दिए थे। और मुझे तो पहले ये भी नहीं जानकारी थी कि पर खींचे भी जाते हैं, मैं तो ये सोच रहा था कि वो लोग खुद से ही लाते हैं। हाँ, हालांकि खुद से भी लाते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। बट आप अगर 1 महीने या 1.5 महीने में उड़ाना चाहते हैं तो पर अपने हिसाब से वो खींच सकते हैं। तो मैंने पर भी खींचे थे, और उसके बाद धीरे धीरे वो दीवार पे बैठने शुरू हुए, दीवार से उड़कर अड्डी तक पहुंचने शुरू हुए। और इस हिसाब से मतलब ना, जब ये लोग उड़ते थे तो अड्डी के इतने पक्के हो गए थे कि अड्डी के सिवा कहीं उतरते भी नहीं थे। अगर मैं अड्डी के नीचे भी खड़ा होता था तो वो लोग सिर्फ अड्डी पे ही उतरते थे। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि छत पे अड्डी भी ज़रूर बांधनी चाहिए, वरना ना उधर जब भी उड़ के उतरते हैं तो आसपास की छत पे या अपने छत के मतलब ऐसे हिस्से में उतरेंगे ना कि बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक अड्डी भी ज़रूरी है। और तो गाइस, सामने वाली आप छत देख सकते हैं, तो जब पहले मेरे कबूतर उड़ते थे तो अक्सर कर यहीं पे उतरते थे, क्योंकि मैंने यह अड्डी पहले नहीं बांध रखी थी। तो कबूतर जब भी उतरते थे या तो इस पे उतरते थे या तो इस वाली छत पे उतरते थे, तो बहुत कम ही मतलब डायरेक्ट छत पे उतरते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से जब भी उड़ते हैं तो कभी कदार शायद वहाँ जाते हो, वरना अक्सर कर यहीं उतरते हैं। और कभी वहाँ पे उतरते थे, कभी वहाँ पे उतरते थे, सब बड़ी मुश्किलें होती थी। तो जब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से अड्डी बांधी ना, तो ये अड्डी पे उतरते हैं। तो आप भी अगर घर का पक्का करना चाहते हैं तो कबूतरों को
हफ्ते भर कम से कम छत पे खोले और हफ्ते भर बाद इतना पर खोले कि उड़ के वो आराम से दीवार तक पहुंच सके, और फिर इतना पर खोले कि उड़ के आराम से अड्डी तक पहुंच सके। क्योंकि जब पूरा पर नहीं खुला होगा ना तो कबूतर खुद ब खुद उड़ने की कोशिश नहीं करेगा कि उड़ के कहीं और दूसरी जगह बैठ सके, वो बस अड्डी तक चढ़ेगा और अड्डी से उतर के आपके छत पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने भी मेरा एक्सपीरियंस था, जितना भी मैंने आप लोगों से शेयर किया, जो जो जितना जितना मैंने जो कुछ भी किया है वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर किया कि हाँ किस तरीके से कबूतर को घर का पक्का करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।